वेलकम बैक टू टू माय अनदर वीडियो ये चैप्टर है हिस्ट्री का और आज हम इसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम अपने नोट से बताएंगे कि ये ये हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं ठीक है ठीके? और जो कि एग्जाम्स में रिलेवेंस है जिनकी वही चीज डिस्कस की जाएगी बाकी जो अदर हैं उनको नहीं डिस्कस करेंगे सबसे पहले पूछा गया है कि वाई वर दे ऑन द मूव यानी कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्यों मूव करते थे इधर से से उधर ठीक है है चैप्टर का नाम ही हंटिंग हंटिंग गैदरिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड यानी कि फ्रॉम जब वो हंटिंग कर रहे थे इकट्ठा कर रहे थे और फिर टू ग्रोइंग फूड कि उन्होंने फूड को कैसे ग्रो करना स्टार्ट किया तो इस चैप्टर में पूरा वही डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट है कि वाई वर दे ऑन द मूव वो क्यों मूव करते थे तो पहला रीजन है हंटिंग ठीक है हंटिंग की वजह से हंटिंग वो एनिमल्स का हंट करते थे ठीक है जब वो एनिमल्स का हंट करेंगे तो जहाँ जहाँ एनिमल्स जाएंगे वहाँ वहाँ वो जाएंगे राइट सेकंड है और इसको ऐसे भी देख सकते हैं हंटिंग एनिमल्स जैसे कि एक एरिया में एक टाइप का एनिमल पाया जाता है दूसरे एरिया में दूसरे टाइप का ठीक है उसके वेदर और हर तरीके की चीज़ें अगर देखें तो उसके हिसाब से एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो एनिमल्स होते हैं उनका जो रहने का एरिया होता है वो डिवाइडेड रहता है तो जैसे एक एरिया के लोगों ने हंट कर लिया एनिमल्स को तो दूसरे एरिया में जाते थे इस वजह से इन्हें मूव करना पड़ता था सेकंड है इन सर्च ऑफ फूड जैसे आप एक एरिया में रह रहे हैं वहां पे फ्रूट्स हैं और जो प्लांट्स हैं उस तरीके के वो एक सीजन वाइज होता है ना सीजन में होता है तो अगर जैसे वहाँ का फूड खत्म हो गया तो वो सर्च ऑफ फूड कहाँ जाएंगे दूसरे एरिया में जाएंगे ठीक है थर्ड है सीज़न सीजन यानी भाई थर्ड पॉइंट हमारे आ गया इन सर्च ऑफ फूड हो गया और थर्ड है हमारा इन डिफरेंट फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन ठीक है ये सीजन वाला हो गया कि डिफरेंट तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं और जो ए, मिलते हैं वो सीजन वाइज होते हैं और इसमें इन सर्च ऑफ फूड में हो गया कि वो अगर प्लांट्स को अगर वरा डिफरेंट डिफरेंट वरायटीज होती हैं तो डिफरेंट एरिया में ग्रो होती हैं फोर्थ है हमारा वाटर यानी कि अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो वाटर है ह्यूमन बींग्स के लिए है ना तो वो क्या करते थे लेक्स स्ट्रीम और रिवर्स इन सब को ढूंढ के उस जगह पे रहते थे जहां पे उन्हें पानी की अवेलेबिलिटी हो ये हमारा फर्स्ट हैडिंग यहाँ से कम्पलीट हो गया पहला था इन सर्च ऑफ फूड इन सर्च ऑफ हंटिंग एनिमल्स और थर्ड था ड्यू टू सीजन और इन फोर्थ है सर्च ऑफ वाटर ठीक है ये चार पॉइंट्स थे जो कि हमने पहले ट में डिस्कस किया अब सेकंड है हमारा हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल हमें इन पीपल्स के बारे में कैसे पता चला तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ रखा है कि हमें इन लोगों के बारे में आर्क्योलॉजिस्ट से पता चला था ठीक है एक वर्ड और था हिस्टोरियंस वो डिफरेंट था आप लोगों से कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिस्टोरियंस और आर्योलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है ठीक है जिस्ट क्या है आर्क्योलॉजिस्ट वो होते हैं जो सर्च करते हैं ठीक है जो चीजें मिलती है उनका यूज करके वो मतलब एक स्ट्री क्रिएट करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा था तो जो आर्क्योलॉजिस्ट थे उन्हें टूल्स मिले थे ठीक है जो टूल्स थे वो कैसे थे स्टोन लाइक -like टूल्स थे वुड बोन इस तरीके के टूल्स थे जैसे आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर दे रखी है इन्होंने इसमें स्टोन इस टूल्स का यूज किया गया है डिगिंग द ग्राउंड ठीक है एडिबल रूट्स को कलेक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते थे वो उसका यूज करते थे उसको खोदने के लिए

मिलियन ईयर्स एगो पैलोलिथिक साइट का पैलियोलिथिक साइट्स आई थी ठीक है इनको हम एक तरीके के नेम से डिनोट करते हैं पैलोलिथिक मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन यानी ओल्ड स्टोरेज ठीक है ये ओल्ड स्टोरेज हो गई और पैलोलिथिक में भी तीन कैटेगरीज है लोअर पैलोलिथिक मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक ठीक है ये तीन <coughs> सॉरी ये तीन डिवाइडेड uh, है uh, पहला टू मिलियन टू ट्वेल्व हंड्रेड ईयर्स एगो तक था ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व थाउजेंड ईय से टेन थाउजेंड ईयर्स तक था ठीक है तो अब हम अगर बात करें पैलोलिथिक के बारे में तो पैलोलिथिक में इतना डिफाइन इत किया गया है कि उन्होंने स्टोन टूल्स को फाइन किया था ठीक है टू मिलियन ईयर्स से ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स एगो तक था और इसमें डिवाइडेड थे लोअर मिडिल और अपर पैलोलिथिक जैसे कि इसमें नोट्स में मैंने आपको बताया बहुत ही छोटे से फिर इसमें बताया कि स्पैम ऑफ टाइम नाइन्टी नाइन परसेंट ह्यूमन हिस्ट्री ठीक है ये देखिए नाइन्टी नाइन परसेंट जो क्या था ह्यूमन हिस्ट्री थी लोअर वाले को आइस एज कहते थे अपर वाले में कहते हैं इमरजेंस ऑफ होमोसेपियंस का ठीक है तो ये जो पैलोलिथिक है वो भी तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है सेकंड है हमारा मिजोलिथिक मीजोलिथिक पेंटिंग्स के बारे में तो अगर इसका बाइफिकेशन करें कि मीजो मतलब क्या होता है और लिथिक मतलब क्या होता है तो इसमें बताया गया मिडिल स्टोरेज ठीक है मिडिल स्टोरेज इसको बोलते हैं इसमें टीनी यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले थे टीनी उन्हें बोलते हैं माइक्रोलेट्स चेंज जो टीनी टीनी पार्टिकल्स थे ये रहा माइक्रोलेट्स जनरली टीनी थे बहुत ही छोटे स्टोन होल्स छोटे स्टोन स्टूल्स थे उन, उनको बाइफिक उनको अलग कैटेगरी दी गई है माइक्रोलेट्स के बारे में ठीक है इसमें सॉज एंड सिपल्स मिले थे अब बात करते हैं न्यूलिथिक की तो इसे बोलते हैं न्यू एज ठीक है न्यू एज, न्यू एज ये कहाँ से कहाँ तक था तो ये था वेपन्स के बारे में ये जाना जाता है न्यूलिथिक एज अब अगर हम अलग कैटेगरी देखें यानी जैसे हमने पैलोलिथिक मीजोलिथिक न्यूलिथिक पढ़ लिया ठीक है इसकी जो पूछते हैं साइट्स पूछते हैं एग्जाम में तो वो क्या है कि पैलोलिथिक की जो साइट्स हैं और पैलोलिथिक है उसका जो पैलोलिथिक का जो बाइफर्गेशन है लोअर पैलोलिथिक उसकी साइट है भीमवेट का ठीक है और ये कहाँ पे है मध्य प्रदेश में है ओल्डेस्ट साइट है जहां पे क्या है केव्स एंड रॉक शेल्टर है ये क्लोज है नर्मदा वैली के ठीक है ये आपको बहुत ही ज्यादा चीजें दिमाग में रखनी है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ये हैं जो कि आपको रिमेंबर रखना है एग्जाम के परस्पेक्टिव से ठीक है और जो ये भीम बेट का साइट है आपने आ, याद कर लिया मध्य प्रदेश में है ठीक है नेचुरल केव है और ये नर्मदा वैली के क्लोज है ठीक है जब आ, बारिश हो गर्मी हो या फिर हवाएं चलें तो लोग कहाँ वो जो पहले एंशियट टाइम्स के लोग थे वो कहाँ रहते भीम भेट का साइड ऐसी साइड पर आप, आपको इसको मैप में दिखा दूँ आई होप आप लोग समझ ये रहा ये भीम का साइड ठीक है ओल्डेस्ट साइट है अब नेक्स्ट बात करते हैं बिगनिंग ऑफ फार्मिंग ठीक है इसकी बात करते हैं फार्मिंग कैसे स्टार्ट हुई आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट है हमारा यहाँ पे फर्स्ट अगर इसकी बात करें तो ग्रास एट एनिमल्स थे जैसे गोट कैटल शीप पिग ठीक है इनके इन्हें हम क्या कहते थे हर्डर्स सेकेंड था फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स तो इसकी ये साइट्स हैं बर्ज होम मेहरगढ़ चिरा ठीक है महरगर, ये सारी साइट्स हैं और ये कहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ इंडिया फार्मिंग में एक बात करें तो क्या क्या थे व्हीट बार्ली राइस जो कलेक्ट किए करते थे ग्रेन्स ठीक है ग्रेन्स भी कलेक्ट करते थे नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिकेशन इसमें पूछा गया डोमेस्टिकेशन ये एक हैडिंग दी है हम कोई भी पार्ट छोड़ नहीं सकते एग्जाम के लिए ठीक है तो हर एक पॉइंट को हमें देखना है क्या क्या है उसके अंदर तो डोमेस्टिकेशन मतलब होता है ग्रो प्लांट्स लुक आफ्टर एनिमल्स एंड उसके बाद डिफरेंट फ्राम वाइल्ड प्लाट्स एंड एनिमल्स ये स्टोर करते थे ठीक है स्टोर किस तरीके से करते थे टेमिंग एनिमल्स मतलब कि डोमेस्टिकेशन में क्या होता है कि एक लार्ज साइज ग्रेन बनाई जाती थी ठीक है यूज करके मतलब उसका डोमेस्टिकेट करके और उसका किसका -किस बनाया गया था वीट और बार्ली का शीप और गोट का ठीक है नेक्स्ट है स्टोरिंग यानी जैसे अपन का जो उन्होंने प्ला, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था आ, सीख लिया था तो अब क्या करते थे फूड ग्रेन्स को स्टोर भी करते थे ठीक है फूड एंड सीड्स को लार्ज क्ले पॉट्स में बास्केट की तरह उन्हें मतलब रख के उन्हें स्टोर किया जाता था जैसे ये दिस टाइप ऑफ पॉट्स इसमें वो लोग क्या करते थे इसका यूज करके वो फूड स्टोर करते थे एनिमल्स में क्या होता था एनिमल्स को स्टोर मतलब स्टोर इस तरीके से कह सकते हैं कि उनको पालना उस, आ, उनको रखते थे क्योंकि उन्हें मिल्क प्रोवाइड होता था मीट भी, भी मिलता था यानी खाने के लिए उन्हें सोर्सेज अवेलेबल थे एनिमल्स से अब अगर साइट्स uh, की बात करें तो साइट्स में जो बर्ज होम है उसके बारे में बात किया तो ये प्रेजेंट टाइम कश्मीर में है यहाँ पे पिट हाउसेस थे कुकिंग के लिए इनसाइड आउटसाइड दोनों अवेलेबिलिटी थी ठीक है यानी घर के बाहर भी और घर के अंदर भी वहाँ के लोग सेटल लाइफ जी रहे थे ठीक है इसे न्योलिथिक साइट न्योलिथिक स्टोनेज भी बोलते हैं क्योंकि ये न्यूलिथिक स्टोनेज की साइट्स है और फार्मिंग किस तरीके से होती थी सेटल लाइफ फार्मिंग थी कि वो लोग वहाँ रह के अपना फार्मिंग करते थे सेकेंड साइट है मेहरगढ़ मेहर, मेहर भगघर के बारे में बात करें तो ये नियर बोलन पास ईरान के पास है यहाँ पे फर्टाइल प्लेन था लर्न इन्होंने क्या सीखा कि ग्रो वीट एंड बार्ली उसके बाद अर्लीस्ट विलेज है जो कि अभी नाउ इन पाकिस्तान में है वो रेयर करते थे शीप और गोट्स को ठीक है ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद इन्होंने बात करी है ये हमारा पॉइंट कंप्लीट होता है सेटल लाइफ के हमने बारे में बात कर ली टूल्स दी सेटल लाइफ वर्जो एक साइट थी उसके बारे में उन्होंने प्रेजेंट टाइम कश्मीर में है वहाँ पे क्या थे बिल्ड हाउसेस ठीक है नेक्स्ट हमारा न्यूलिथिक के हम, न्यूलिथिक स्टोन टूल्स के बारे में हमने बात कर ली इस तरीके के स्टोन टूल्स थे न्यूलिथिक साइट्स में मेहरगढ़ के बारे में हमने बात कर लिया ठीक है वहाँ पे क्या थे इस तरीके का बना हुआ था एक हाउस था ठीक है मेहरगढ़ में बेरियल भी मिले थे इस जो डेथ के बाद होता है भी यहाँ पे मिला था ठीक है फोर कंपार्टमेंट्स से यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो ये क्वेश्चन है वाई डू पीपल वाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम बहुत ईजी आंसर है ठीक है आपको बस इतना बताना है कि जो पीपल्स थे जो क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे वो सेम प्लेस में सेम प्लेस पर लॉन्ग टाइम तक क्यों रुकते थे ठीक है आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी और अगर आप लोग की कोई क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच गायस फॉर वॉचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में